तो दो साल के इंतजार के बाद आज रिलीज हुई है रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार, जिसमें रणवीर सिंह के साथ आपको दिखेंगी, आपने तेलुगु में अर्जुन रेड्डी देखी है, उसमें जो प्रीतिका किरदार निभा रही हैं, उनका नाम शालिनी पांडे होता है, वो इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रही हैं, और साथ ही इस फिल्म को बनाने वाले दिव्यांग ठक्कर भी डेब्यू कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर बॉलीवुड में, और उनके साथ आपको सपोर्टिंग कास्ट में आपको दिखेंगी बमन ईरानी और रत्ना पाठक शाह। अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो उसमें सारी कहानी आपके सामने आ जाती है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जयेश भाई गुजरात के एक फिक्टिशियस गांव में रहते हैं, उनके पिता सरपंच होते हैं, और उनके पिता बमन ईरानी चाहते हैं कि रणवीर सिंह ही आगे जाके सरपंच बने, और चाहते हैं कि उनका पोता भी सरपंच बने, पर उनका पोता नहीं पोती होती है, और उनकी बीवी जयेश भाई की प्रेग्नेंट होती है, पता लगता है कि वहाँ पर भी एक पोती है। तो किस तरह जयेश भाई अपनी बेटी, होने वाली बेटी, और अपनी बेटी और अपनी बीवी को बचाने के लिए कवायद करते हैं, यही है फिल्म की कहानी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणुका व्यवहार ने इस फिल्म को दिए हैं 2.5 स्टार्स, और वो लिखती हैं कि जो डेब्यूटेंट डायरेक्टर हैं दिव्यांग ठक्कर, उन्होंने ह्यूमर और सटायर से सोशल इश्यूज पर बात करने की ठानी है, जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, भेदभाव और जेंडर बायसनेस, इन सब पर बात करती है फिल्म। मतलब इरादा नेक है, दाद देनी चाहिए, पर जो एग्जीक्यूशन है ना वो काफ़ी जुवेनाइल है, मतलब ढीली लिखाई रणवीर सिंह को कुछ करने ही नहीं देती है। हालांकि स्क्रीन प्रेजेंस की बात करें, एक्टिंग की बात करें, तो वी ऑल नो रणवीर सिंह से ज़्यादा पटाखा आदमी कोई नहीं है यार, बट ये फिल्म उन्हें वो पटाखा नहीं बनने देती, उनकी जो सुर्री है ना वो गीली करके रखती है। बट इन सब के बावजूद रणवीर सिंह अपनी एक्टिंग के बलबूते आपको फिल्म के एंड तक ले जाते हैं बॉस। 2.5 स्टार्स। और वो लिखते हैं, भाई साहब फिल्म देखने की इकलौती वजह ही है रणवीर सिंह, मतलब जिस तरह से उन्होंने बाजीराव मस्तानी, उसके बाद खली, उसके बाद 83 में अपनी एक्टिंग का बल्ला चलाया, उसी तरह अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया उन्होंने इस फिल्म से, भाई साहब। पर कमजोर कड़ी इस फिल्म की जो है वो है स्क्रीन प्ले, तेरी की रेड पेड़ देती है, पूरी फिल्म की देखने नहीं देती है। बाकी भाई साहब रणवीर सिंह अपनी एक्टिंग से इस फिल्म को आगे लेके जाते हैं, और डायरेक्टर के हाथ से तो ये पिक्चर पहले 30 मिनट के बाद ही निकल लेती है, कुछ भी ना कर सके डायरेक्टर, एक्टर लेके जाता है इसे आगे, रणवीर सिंह देख के मजा आ गया। 2.5 स्टार तुम्हारी चीज को लेके जा रहा हूँ कल। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को दी है 1.5 स्टार्स, और वो फरमाती हैं कि रणवीर सिंह जोरदार होने की बहुत कोशिश करते हैं, पर फिल्म में कोई भी जोर नहीं है। शालिनी पांडे, जो कि अर्जुन रेड्डी में काफी नम्र दब्बू किस्म की लड़की थी, इस फिल्म में एक नम्र और दब्बू किस्म की बीवी बनी है। शुभ्रा कहती हैं कि फिल्म की इंटेंशन सही है, पर फिल्म में लगता है कि कई कैरेक्टर्स घिसटते हुए कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे आप अपने दांत पीसने पर मजबूर हो जाते हैं। 1.5 स्टार्स। तो न्यूज 18 के सुन, बेस्ट गंजा अवार्ड, बेस्ट दाढ़ी अवार्ड, बेस्ट सर खाऊ अवार्ड, अरे भैया ऑलवेज लेट अवार्ड, ओवर हो गया ना। एग्जैक्टली न्यूज 18 के सोनी लेडिया यही कहते हैं कि भाई साहब जोक तब तक मारो जब तक हंसी आए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और ज्यादा जोक मारते हो ना तो फिल्म अपना चार्म खो बैठती है। यही इस फिल्म के साथ हुआ है, मतलब आप इतने हॉट टॉपिक पे एक फिल्म बना रहे हैं पर जोक्स इतने सारे डाल दिए हैं कि वो मुद्दा ही हवा हो गया। बाकी रणवीर सिंह भाई साहब बहुत लाइकेबल कैरेक्टर हैं, और वही इस फिल्म को आगे लेके जाती हैं, और शालिनी पांडे जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपना डेब्यू किया है, उनके लिए दिस इज द परफेक्ट फिल्म टू डेब्यू इन बॉलीवुड। 2.5 स्टार्स। भाइयों आप सभी को वापस करूंगा मैं एक दिन, तो चार रिव्यूज के हिसाब से इस फिल्म को मिलते 2.25 स्टार्स, और जाते जाते बॉलीवुड शायरी मेरे जनाब, सुई चुपती है तो कहते हैं ओई माँ, सुई चुपते हैं तो कहते हैं ओई माँ, अंगना में बाबा द्वारे पे माँ, जैसे आए गोरी हम तोरे घर माँ। तो कैसी लगी आपको मेरी घटिया शायरी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जाने से पहले बीबीसी हिंदी का फेसबुक पन्ना और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पन्ना लाइक कीजिए, और एक लाइक दीजिएगा मेरे कैमरा पर्सन मनीष जलुई को, अबे चुकर, जो कि बेचारा क्रैम्ड अप स्पेस में बैठा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर। नया कैमरा ना भाई, ओ खराब हो जाएगा।